बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइनोसॉइड एंड फेजर्स ये सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लें। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई। ये एक फॉर्म है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहा जाता है। और जहाँ पे जे जो है वो अंडर रूट माइनस वन के बराबर होता है, या जे स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। और अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो ये हमारा रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये इमेजिनरी एक्सिस है या वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है वो आर कॉस थीटा के बराबर है और वाई एक्सिस आर साइन थीटा के बराबर है। ये इसके मैग्नीट्यूड है जिसको हम अभी देखेंगे कि पोलर फॉर्म में इसको आर लिखा जाता है, और ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है। तो इसी चीज़ को अब हम एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा लिख लें और y की जगह पे r साइन थीटा लिख लें, r कॉमन ले लें, तो ये एक फॉर्म और बन जाता है कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस j साइन थीटा। इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। r यहीं पे रहा और ये cos थीटा प्लस j साइन थीटा को हम e रेज टू द पावर j थीटा लिख सकते हैं। ये यूलर इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये यूलर इक्वेशन है, ये ई जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको याद रखें, ये हमने सब्सिक्वेंटली इस्तेमाल करना है यूलर फार्मूला। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। और एक और फॉर्म है कि जिसमें हम ई को ख़त्म कर दें, सिर्फ थीटा रखें और आर लिखें, तो ये आर एंगल थीटा, इसको पोलर फॉर्म कहा जाता है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और पोलर फॉर्म। अब चंद एक ऑपरेशंस देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ये अगर इस फॉर्म में है, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, और अगर पोलर फॉर्म में आ जाए तो हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो अब एडिशन में अगर जैसे ये दो जेड वन और जेड टू को अगर हम ऐड करना चाहें, तो इसमें हम रियल नंबर्स को पहले ऐड कर लेते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू, और प्लस जो इमेजिनरी नंबर है जे के टर्म्स वाले जो है उनको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, तो जे वाई वन प्लस वाई टू। इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और प्लस इमेजिनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये इसके लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना ज़रूरी है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इसको पोलर फॉर्म में होना ज़रूरी है। जैसे आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो जो मैग्नीट्यूड्स है उसको मल्टीप्लाई कर लें, और दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं। ये ख्याल रखें कि मल्टीप्लिकेशन में एंगल्स को ऐड किया जाता है और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब एक फेजर रिप्रेजेंटेशन यानी साइनोसॉइडल सिग्नल को फेजर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फेजर हमने पहले पढ़ लिया था, तो ये जस्ट रिकॉल के अगर ये वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है तो ये मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड, और जो फेज एंगल है वो लिख लेते हैं। तो ये फेजर फॉर्म में, ये कैपिटल या बोल्ड फॉर्म में जो वी लिखा हुआ है, ये फेजर को जाहिर करने के लिए। आमतौर पर हम इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं तो तब भी ये फेजर बन जाता है, ये फेजर फॉर्म में जाहिर कर लेते हैं हम उसका। तो इसको, इस रिप्रेजेंटेशन को हम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और इस वाले रिप्रेजेंटेशन को हम फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि टाइम डोमेन में ये है और फेजर डोमेन में ये है, और इनको एक दूसरे से चेंज करना भी हमें आना चाहिए। अब आइए एक सवाल कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म द साइनोसॉइड टू फेजर।
तो ये सिग्नल है, इसको हमने फेजर में लेके जाना है। अब आपको याद होगा कि अगर इस फॉर्म में हो, जो कि एसी फॉर्म में है, आप इसको देखिए, वी एम ये हो गया कॉस, ये ओमेगा टी के बराबर है और ये फेज एंगल है -40। तो अब हम फेजर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिख लेंगे जो कि 6 है और एंगल लिख लेंगे जो कि -40 है। तो ये फेजर फॉर्म में हमारा जवाब आ गया आई। ये फेजर बोल्ड में लिखा हुआ है, आप जब लिखते वक्त इसके ऊपर लाइन लगा देंगे तो तब भी ये फेजर ही समझा जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और -40 जो फेज एंगल है, तो ये फेजर फॉर्म में हो गया। और इसको अगर आप प्लॉट करके देखना चाहेंगे तो ये आपको रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस से -40 डिग्री या नीचे की तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6 के बराबर है। तो ये 6 mm हो गया या 6 सेंटीमीटर हो गया या 6 इंचेस हो गया, जो भी है, तो ये 6 है। आइए एक और सवाल करते हैं। अब यहाँ पे ये साइन सिग्नल है तो हमें इसको कोसाइन में ट्रांसफ़र करना होगा। पहले ये हम वीडियो 1 में हम पढ़ चुके हैं, इसके टेक्निक भी बताया था, यहाँ पे रिपीट कर देते हैं कि अगर कॉस से साइन जा रहे हैं यानी एस से एस जा रहे हैं यानी इसमें सेम साइन होगा। यानी अगर कॉस से साइन जा रहे हैं तो इससे पहले जो भी साइन होगा अंदर भी उसी साइन के साथ हम 90 डिग्री को ऐड करेंगे, और अगर सेम साइन अगर साइन से कॉस है तो उल्टा होगा। अब यहाँ पे साइन से हम कॉस जाना चाह रहे हैं तो सेम साइन नहीं होगा बल्कि डिफरेंट साइन होगा। यानी बाहर अगर माइनस साइन है तो हम इसको प्लस साइन करेंगे, प्लस 90 करेंगे। तो ये अब माइनस साइन ए जो है वो कॉस ए प्लस 90 हो जाता है। तो इसी तरह इसको भी आप प्लस 90 कर लेंगे। तो ये अब हमारा सिग्नल जो है वो कोसाइन के फॉर्म में आ गया। और जब कोसाइन के फॉर्म में आ जाए उसके बाद वेक्टर के फॉर्म में आसान है कि आप मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड आ गया और जो फेज एंगल है 140 यहाँ पे, तो ये फेजर फॉर्म में आ गया। तो ये पॉइंट समझना ज़रूरी है, इस पर बहुत ध्यान से, कि अगर सेम साइन नहीं है तो ऑपोजिट होगा और सेम साइन होगा तो सेम साइन। और इसको अगर आप प्लॉट करना चाहें तो 140 एंगल है, तो आप यहाँ से रेफरेंस रियल एक्सिस से 140 डिग्री चलेंगे और ये 4 इसका मैग्नीट्यूड होगा और 140 एंगल हो गया। तो ये फेजर प्लॉट हो गया सिग्नल का। अच्छा, यहाँ सवाल ये है कि फाइंड द साइनोसॉइड रिप्रेजेंटेशन बाय द फेजर। अब ये फेजर दिया हुआ है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको हमने साइन या कोसाइन के फॉर्म में, तो हम कोसाइन लिखते हैं तो कोसाइन के फॉर्म में इसको लाना है। साइनोसॉइडल रिप्रेजेंटेशन मतलब कोसाइन के फॉर्म में लाना। तो कोसाइन के फॉर्म में लाने के लिए आपको याद होगा कि हमें एक वी एम चाहिए मैग्नीट्यूड और हमें उसका फेज एंगल चाहिए। तो इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आप इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर तो ये आ जाएगा उसका आंसर। तो ये अब उसका मैग्नीट्यूड हो गया जिसका वी एम है और ये थीटा है। तो अब हम इसको वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब हमारा ये फेजर में था, अब ये टाइम डोमेन में आ गया। आई टी इज वी एम यानी 5 हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस ये फेज एंगल। तो ये इस तरह से हमने फेजर से साइनोसॉइडल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एक और है, फाइंड द साइनोसॉइड रिप्रेजेंटेशन, इसको भी साइन के फॉर्म में जाना है लेके साइनोसॉइडल के फॉर्म में यानी कोसाइन के फॉर्म में लेके जाना है। और ये गिवन क्या है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है कि ये एक जे पहले है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम अभी देखते हैं। तो ये एक इसको यूनिट सर्कल कहा जाता है। यूनिट सर्कल की रिप्रेजेंटेशन ये है कि जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं यानी 0 पॉइंट 0 एंगल
इसकी वैल्यू वन है, यूनिट सर्कल का मतलब वन मैग्नीट्यूड है। जब आप 90 डिग्री पे जाते हैं तो इसके वैल्यू जो है वो जे हो जाता है, और फिर 180 पे ये माइनस वन हो जाता है, और 270 पे जो है ये माइनस जे हो जाता है। तो ये एक्चुअली यूलर फार्मूला से ही आता है, यूलर में आप एंगल्स की वैल्यू डालते जाएंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो बहरहाल जे का मतलब हुआ कि वन एंगल 90। अब हम यहाँ पे उसको लिख लेंगे, तो हमने सबसे पहले ये किया कि हम J8 को हम उसी तरह ही रहने देते हैं, और सिर्फ ये जो ई रेस टू दी पावर है, तो हमें पता है ई रेस टू दी पावर माइनस जे थीटा है, तो थीटा हमारा ये आ गया, तो ये माइनस 20 आ गया, और J8 माइनस 20। अब हम जे को लिखेंगे, ये जो वैल्यू हमने यहाँ से लिया 190, ये देखिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इस तरह से है तो उसको पोलर फॉर्म में ये लिख सकते हैं। तो हमने एग्जैक्टली यही किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये था तो हमने पोलर फॉर्म में इस तरह से लिख लिया, यानी एंगल थीटा लिख लिया। अब जे इज 190, तो हम यहाँ पे अब जे की जगह पे 1 एंगल 90, और ये बाकी टर्म्स इसी तरह रह गए। अब हमने क्या करना है कि दोनों मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि 8 हो जाएगा, और दोनों एंगल्स को ऐड करना है तो प्लस 70 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 8 और एंगल प्लस 70। अब इसको हमने साइनसॉइडल यानी कोसाइन के फॉर्म में लेके जाना है, तो अब हम हमारा मैग्नीट्यूड 8 आ गया और कॉस ओमेगा टी प्लस एंगल 70। ओके, अब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझेंगे। तो ये अगर हमारा सिग्नल है वी टी इज बी एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस ओमेगा वी एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और ये माइनस साइन जो है उसको कॉस में लेके जाने के लिए हमें प्लस 90 करना होगा, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। और इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। तो इसकी जो हम फाइनल है कि हमारा डी वी डी टी जो है वो जे ओमेगा वी के बराबर लिखा जाएगा। तो इसको हमने सिर्फ याद रखना है कि टाइम डोमेन में अगर डी वी डी टी है तो फेजर डोमेन में जे ओमेगा वे फेजर वी फेजर आ जाएगा। और इंटीग्रल ऑफ वी डी टी जो है वो वी फेजर डिवाइडेड बाय जे ओमेगा आ जाएगा। तो इसको हमने याद रखना है। तो आइए एक सवाल करते हैं। यूजिंग द फेजर अप्रोच डिटरमिन द करंट आई इन अ सर्किट डिस्क्राइब बाय द इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से हमने करंट आई को मालूम करना है, और ये हमारा फॉर्मूला जो हमने दो डिराइव किया था, तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये तो फेजर बन गया, इसको हमने फेजर फॉर्म में लिख लिया सबको। तो आई करंट इज आई फेजर, और 8 आई डी टी इंटीग्रल आई वी टी इंटीग्रल है वी ओवर जे ओमेगा। तो आई डी टी अगर है तो आई ओवर जे ओमेगा, सो वी ओवर जे ओमेगा यहाँ पे है, यहाँ चूंकि करंट है तो हम आई ओवर जे ओमेगा लिख लेंगे, और 8 यहाँ पे पहले से मौजूद था तो वो लिख लेंगे। अच्छा, माइनस 3 और डी आई डी टी, यहाँ डी वी डी टी हमने निकाला था जे ओमेगा वी, तो अब यहाँ पे हमारे केस में हो जाएगा जे ओमेगा आई, सो जे ओमेगा आई, और इसको फेजर में हम 50 एंगल प्लस 75 लिख लेंगे। अब इसको हम ओमेगा के वैल्यू यहाँ पे आप देखें कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा जो है वो 2 के बराबर है, तो ओमेगा के वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में जब ओमेगा की जगह पर 2 डाल दिया तो ये आ गया। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना है कि 1 ओवर जे को हम माइनस जे लिख सकते हैं, ये आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि 1 ओवर जे
एक्चुअली अगर हम माइनस माइनस ऐड कर दें दोनों तरफ, यानी माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर भी किया और यहाँ भी किया, तो ये बराबर हो गया। और माइनस वन हमें पता है कि जे स्क्वायर के बराबर है, सो अब जे और जे यहाँ कट जाएगा तो जे बाकी रह जाएगा और ये माइनस साइन। तो इस तरह से इसको डराइव किया जाता है। बहरहाल याद रखने वाली चीज़ है कि वन ओवर जे इज इक्वल टू माइनस जे। तो अब हम यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन करेंगे। ये आ गया कि आई हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो फोर रह गया, ये वन ओवर जे ऊपर जाके माइनस जे हो गया, और एट डिवाइडेड बाय टू जो है वो फोर हो गया, और इसी तरह ये थ्री टू सिक्स आ गया, जे सिक्स आ गया, तो माइनस आई कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट के अंदर रह गया, और ये राइट हैंड साइड के टर्म्स हैं, इनको आपने ऐड कर लिया, माइनस टेन हो गया। और अब हम यहाँ से आई मालूम कर सकते हैं। अब आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आगे इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो हम जो तरीका यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि कार्टीजियन को पहले हम पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कार्टीजियन को हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पर इसके साथ डिवाइड किया, तो अब हमारा आंसर आएगा 4.642 एंगल 143। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर, यानी 5075 डिवाइडेड बाय 4 माइनस जे 10 अगर आप करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया फेजर फॉर्म में। अब हम इसको वापस जाना है टाइम डोमेन में लेके, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया कॉस ओमेगा टी यानी 2t और एंगल 143.2। तो आई होप इससे आपको साइनोसॉइडल और फेजर्स के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा पहुंचा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।